अच्छा मैं ऐसे ही क्यूरियोसिटी से एक ही पूछ रहा था, मैंने कहा जैसे ये अंबानी वगैरह के घर में पार्टी होती है, नॉर्मल सब्जियां होती है कि डायमंड करी वगैरह बनाते हैं ये लोग? होता है कभी? नहीं, कभी लगती है उनका चम्मच का कलर भी गोल्डन है, तो कभी कभी क्वेश्चन खुद हो जाता है कि एक्चुअली सोने की तो नहीं है ना वो भी। बहुत बार होता है कि एक डाल दो और फिर चलो बोलते चलो थैंक यू सो मच बनाने के लिए। नहीं पर मुझे सिद्धू भाजी एक बार कह रहे थे, कहते गुरु ये जो अंबानी है ना इनके घर में जो पनीर काठी रोल होता है वो भी 500 के नोट में बनता है, पता नहीं ये सच्चा है कि नहीं सच्चा। अच्छा नहीं ऐसे ही भाजी रैना ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट जो है 2020 हो गया, वन डे हो गया, टेस्ट, उसमें सेंचुरीज मारी है, और वीरू भाजी के बाद अगर कोई ओपनर आया है जो सबसे ज्यादा बॉलर को ठोकता है वो है शिखर, और हार्दिक तो ऑलराउंडर है। अच्छा आपने लेकिन जब शुरुआत की थी अपने करियर की भाजी आप दोनों, तो पहले पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, उस समय आपने कभी सोचा था कि आपको एक ऐसे महान क्रिकेटर के सामने बैठने का मौका मिलेगा जो खुद 1990 में 0 पे आउट हुआ? मैं भाजी वो एक आध मैच में होता है फिर क्या हुआ इसके बाद तो अपने, अबे तेरा मेरे 0 ही दिखते हैं, तुझे 100 नहीं दिखते मेरे। नहीं मैं गब्बर मेरे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी में खेला करता था, अभी भी खेलता हूँ रणजी ट्रॉफी, तो सिली पॉइंट पे बैठे होते हैं, अब दूसरी टीम की पार्टनरशिप लगी तो लड़के काफी डाउन हो जाते हैं उस वक्त, कोई आवाज नहीं निकाल रहा होता, तो हमारा टीम का रहता है कि भाई बोलते रहना, तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हूँ, बॉलर वहां से डाल रहा और मैं बॉल डाली, मैं ऐसे बैठे बैठे बहुत ध्यान आना है ये सुअर के बच्चों, इसी तरह चिल्लाता सारे ग्राउंड में, फिर बाहर से मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाला। कोई भी मैच में विकेट गिरती है तो प्लेयर्स एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। सुरेश आपको मैंने देखा बाल खींचने लगते हैं लोगों के, ये शादी के बाद सीखा है आपने? नहीं नहीं सर, पहले से ही करते थे एक्चुअली, हम लोग साथ में खेलते थे, कुछ प्लेयरों के बाल होते हैं अभी चेंज हो गया है, किसी के नहीं होते हैं। कटवा दिया कि ये बाल खींचते हैं? नहीं, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग चेन्नई का एक मैच खेल रहे थे आईपीएल का, तो डगी बॉलिंजर एक बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, तो बॉलिंग कर रहा था, उसने शायद सौरव गांगुली का आउट किया था, तो जब उसके पास गए सेलिब्रेशन करने के लिए तो मैंने उसके बाल खींचे, तो पाजी वो सब भारी आ गया, नकली बाल, मुझे पता ही नहीं था। आप जब बाहर जाते हैं फॉरेन कभी मैच खेलने, तो मैच खेल के उसके बाद सीधा होटल ही आते हैं कहीं और भी, मतलब नहीं मैं होटल ही आता, नजरें झुक गई हैं उसकी पूरी तरह से। नहीं थोड़ा शाही है। शाही होते हैं लेकिन जब आदमी अकेला होता है जाते बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अकेला जाते हैं कि लवी डवी जाते हैं? अब ये अभी वहां जाके कोई मिल गया तो पता नहीं, जाते तो अकेला। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates